मोदी सरकार की तरफ से करोड़ों किसानों को मिलने वाली है सबसे बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है ये काम तो आपको लगने जा रहा बड़ा झटका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त इस दिन आपके खाते में आने वाली है। आखिर कब और किस दिन और कैसे आपके खाते में ये किस्त आएगी, जानिए इस रिपोर्ट में। जी, देश के करोड़ों किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर है। सभी किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। देश के उन सभी किसानों का इंतजार मोदी सरकार खत्म करने वाली है जो पिछले 4 महीने से इस योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आगे हम आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि मोदी सरकार द्वारा ये किस्त आपके खाते में कब भेजी जाएगी और किन वजहों से ये किस्त आपके खाते में आने से रुक सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं और पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितने रुपए आपके खाते में भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की योजना है जो देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को खेती किसानी के कामकाज के साथ घरेलू जरूरतों से जुड़ी हुई चीजों की खरीद पर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पीएम किसान योजना के तहत सभी पात्र किसानों के परिवारों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। किसानों को ये पैसा 3 किस्तों में मिलता है और 2,000 रुपए के समान मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कब आपको इस योजना की 13वीं किस्त सरकार भेजने वाली है। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश की करोड़ों किसानों के खाते में जल्द ही 13वीं किस्त भेजने वाली है और ये किस्त होली से पहले भेजी जाएगी क्योंकि सरकार द्वारा पिछली किस्त दिवाली से पहले सभी किसानों के खाते में भेजी गई थी क्योंकि सरकार ने अपने प्लान के मुताबिक सभी किसानों को दिवाली का तोहफा दिया था और सभी की दिवाली को खुशनुमा बनाने का एक बड़ा प्लान तय किया था। यही वजह है कि एक बार फिर से दिवाली के बाद देश के सबसे बड़े त्योहार होली से पहले सरकार इस योजना की किस्त किसानों के खाते में भेज सकती है। वही आपको बताते चले कि सरकार ने अपने प्लान के मुताबिक इस बार कई करोड़ों किसानों के नाम भी काटे हैं क्योंकि ये सभी किसान फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे थे। इस बार उन किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। वही जो किसान इस योजना में अपनी ईकेवाईसी अपडेट नहीं कर पाए हैं उनके खाते में भी ये किस्त नहीं आएगी और ईकेवाईसी जल्द से जल्द कराने के लिए सरकार ने आवेदन किया है। इस योजना की केवाईसी करने की यह है पूरी प्रक्रिया। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार ईकेवाईसी पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों के लिए ज्यादा अनिवार्य है। वही ये काम आप ऑनलाइन ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसानों को बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी करवानी है तो किसानों को अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से संपर्क करना होगा। वही अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये है इसकी पूरी प्रक्रिया। पहला, पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ई केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। दूसरा, आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें। तीसरा, ओटीपी प्राप्त करने के बाद इसे दर्ज करें। उसके बाद आपका ई केवाईसी सफल हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की इस 13वीं किस्त को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।